नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स वर्ल्ड पर। और आज हम देखने वाले हैं बिल्लू की कुछ कहानियाँ, जिनमें पहली कहानी है मगरमच्छ से बैर। तो वीडियो को देखते रहें दोस्तों, पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो हम शुरू करेंगे कहानी मगरमच्छ से बैर। मिस्टर डायनामाइट, तुम्हारे साथ दिलचस्प समय बीता। जो जी, आज शाम को मेरा शो देखने आना। मैं ज़रूर आऊँगी, बाय। जोजी, क्या आज शाम तुम मेरे साथ फिल्म देखने चल सकती हो? बिल्लू, अफसोस है, मैं नहीं जा सकती। मैं आज शाम मिस्टर डायनामाइट के करतब देखने जाऊँगी। मैंने फिल्म के दो टिकट्स खरीदे हैं, एक अपने लिए और दूसरा तुम्हारे लिए। डायनामाइट में ऐसी क्या बात है कि तुम उसके लिए मुझे ठुकरा रही हो? वह दिलेर और शक्तिशाली इंसान है। देखो, भारी भरकम रोड रोलर उसके ऊपर से गुजर जाता है, फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आती। मैं भी भारी भरकम हाथी को अपने ऊपर से गुजार सकता हूँ। एक बार चार गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे, तभी डायनामाइट आ गया और उसने सबके दांत खट्टे कर दिए। यह कुछ नहीं, मौका पड़ने पर मैं 8 बदमाशों, जिनमें तुम्हारा डायनामाइट भी शामिल है, की हड्डियाँ कड़का सकता हूँ। चूहे, आ जाओ, देखते हैं कौन किसकी हड्डियां तोड़ता है। बिल्लू, यह मिस्टर डायनामाइट हैं। अरे अरे, मुझे घर पर कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। नहीं, तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा और सिद्ध करना होगा कि तुम मेरी हड्डियां कड़का सकते हो। पहलवान, भूल जाओ, वह कोरा मजाक था। पहलवान बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ, डायनामाइट मेरे पीछे पड़ा है। हो हो बिल्लू, तुझे मुसीबत में देखकर मैं बड़ा खुश हूँ। बजरंगी, बेशक हम दोनों की नहीं बनती, लेकिन जब बाहर का कोई तीसरा हम में से किसी पर हमला करने आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही है डायनामाइट, मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। धड़ाक, अरे मुझे नीचे उतारो। जजबाक, धप, भागो। शुक्र है इस मकान का दरवाज़ा खुला है, अंदर से बंद कर देता हूँ, अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धड़ाक, दुनिया का कोई दरवाज़ा डायनामाइट को रोक नहीं सकता। एक कदम आगे बढ़े तो यह आटे की बोरी दे मारूँगा। धप, इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। पीछे के दरवाजे से निकल भागना चाहिए। और ये डायनामाइट ने बोरी फेंकी। उफ, मेरी सांस फूल गई है और नहीं भाग सकता। कंक्रीट के खंभे की आड़ लेना भी नकारा सिद्ध होगा, मैं खंभे को गिराने जा रहा हूँ। धड़ाक, बम, आऊ, देखूं उस मुकाबले का अंजाम क्या निकला। बिल्लू, तुम्हारे हाथों डायनामाइट की यह हालत हुई, सचमुच तुम ताकतवर और दिलेर हो, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलूँगी। तो देखा भाइयों, आपने ताकत का दुरुपयोग करो तो यही होता है। चलिए हम अगली कहानी देखते हैं। तो अगली का कहानी है शुभागमन। ओह, कमबख्त ने दोपहर की नींद हराम कर दी। चल उड़ जाए यहाँ से। बजरंगी पहलवान, कौए को पत्थर क्यों मार रहे हो? कोयल और मैना की आवाज़ कानों को मधुर लगती है, मगर आवारा कौए की सूल जैसी कानों को चुभने वाली आवाज़ कौन सुनना चाहेगा? लेकिन कौए का घर की मुंडेर पर बोलना किसी प्रियजन की आमद की सूचना माना जाता है, क्या यह सच है? बिल्कुल, आज कोई तुम्हारे घर जरूर आएगा। कौन हो सकता है? मेरे गुरुजी हो सकते हैं, जिन्होंने मुझे पहलवानी के दाव पेंच सिखाए। बिल्लू, धन्यवाद, अगर कौआ मुझे न जगाता तो मैं सोया रहता और मेरा उस्ताद रुस्त में जमा पहलवान बाम बाम आकर लौट जाता। मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए, लंबे सफ़र के बाद उन्हें भूख लगेगी, इसलिए मिठाइयाँ और फल मेज पर सजा दूँ। यह हार लेकर मुझे अपने गुरु के स्वागत के लिए यहाँ खड़ा हो जाना चाहिए। सुनते हो, खिड़की बंद कर दो। क्यों? नेता डंठल बंडल चुनाव के लिए चंदा मांगने आ रहा है। बाप रे, डंठल बंडल, दरवाज़ा बंद कर दूँ, कहीं वह चंदा न मांग बैठे। नेता जी, चलते चलते चप्पलें घिस गईं, पर अभी तक चंदे की एक भी रसीद नहीं कटी। पॉलिटिक्स में धैर्य पहली महत्वपूर्ण चीज़ है। भूख से पेट ढोल की तरह बजने लगा है। देखा, मैं ना कहता था, कोई ना कोई हमारा कद्रदान अवश्य मिलेगा। वह हार लिए हमारे स्वागत के लिए खड़ा है, यहाँ हमारे खाने पीने का भी इंतजाम है। बजरंगी पहलवान के नाम चंदे की 501 रुपये की रसीद काटो। अब अगर कोई कौआ मेरी छत पर बोला तो बंदूक से मार डालूँगा।
तो दोस्तों ये तो बड़ी मज़ेदार कहानी है, तो चलिए अगली कहानी देखते हैं। तो दोस्तों अगली कहानी है ट्रॉली निराली। पर्वतारोहण का अपना ही लुत्फ है। मक्खन कोई स्कीम सोचो जिससे कमाई हो, वही कर रहा है। बालजाल वह छोकरा शायद पहाड़ पर चढ़ने की कुछ सोच रहा है, आओ उससे कुछ पैसे ढीले करें। बालक क्या चोटी पर जाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ उस्ताद बालजाल से ट्रेनिंग तो ले लो, आप स्विट्जरलैंड के पर्वतारोहण कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं, फीस सिर्फ 100 रुपया। लेकिन लेकिन बेकिन कुछ नहीं, जिस तरह संगीत या नृत्य में बिना गुरु के कुछ नहीं सीखा जा सकता, उसी तरह तुम बगैर शिक्षा के चोटी तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन मैंने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ले रखी है, गुड बाय। पर हमारी उच्च शिक्षा से तुम जल्दी चोटी पर पहुंच जाओगे, मैं बिना आपकी मदद के वहां जल्दी पहुंच सकता हूं। नामुमकिन, शर्त लगाते हैं, हारने वाला जीतने वाले को 100 रुपया देगा। मंजूर है, आओ चढ़ाई शुरू करते हैं। तुम चढ़ाई नहीं कर रहे, तुम बच्चे हो इसलिए प्रिंसिपल बालजाल देर से चढ़ाई शुरू करेंगे और तुमसे पहले चोटी पर पहुंचेंगे। मक्खन तुमने मरवा दिया, वह लड़का कहीं शर्त जीत न ले। कभी नहीं, तुम्हें ट्रॉली से भेजने की मेरी योजना है, मैं ट्रॉली स्टेशन के चौकीदार को खिसकाता हूँ, आओ। गंगबम्ब लो 10 रुपये, बाजार से छोले भटूरे लाओ, दोनों खाएंगे। बालजाल आओ, चौकीदार के लौटने से पहले तुम ट्रॉली में बैठकर 9 to 11 हो जाओ। वह छोकरा चोटी पर घंटों में पहुंचेगा, जबकि तुम मिनटों में। छोले भटूरे ले आया, अरे ट्रॉली कहाँ गई? मेरा साथी उसमें बैठकर गया है। सत्यानाश, वह ट्रॉली कई महीनों से नहीं चली है, ट्रॉली की तार में जगह जगह जंग लगा है, वह रास्ते में कहीं भी अटक सकती है। हैं, ट्रॉली क्यों रुक गई? कमबख्त मक्खन, तुमने मुझे फंसा दिया। मैं चोटी पर पहुंच गया, मगर पर्वतारोहण कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब बालजाल दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नीचे उतरकर देखता हूँ। महाशय, मैं शर्त जीत गया, यह मुकाबला रद्द माना जाएगा क्योंकि हमारा प्रतियोगी कहीं अटक गया है, उसे कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा, मुकाबला दोबारा होगा। बालजाल की अनुपस्थिति में कौन चोटी पर चढ़ेगा? मैं। आप खड़े क्यों हैं? तुम बच्चे हो, कुछ दूर तक फासला तय कर लो, फिर मैं चढ़ाई शुरू करूँगा। वह गया, अब मैं अपनी चाल चलूँ। दोस्त पायलट पान, आज तेरे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। मक्खन दोस्त, जहाँ कहो मैं तुम्हें ले चलूँ। पायलट पान, मुझे उस पहाड़ की चोटी पर उतारने में कितनी देर लगेगी? सिर्फ 5 मिनट्स। चोटी आ गई, मैं उतरता हूँ, धन्यवाद, मैं पहले पहुँचा। तभी ओह, तेज हवा का झोंका, धड़ाम। जनाब आप प्रतियोगिता जीत गए, मैं 100 रुपये देने आया हूँ, कैसे हाथ से लूँ, दोनों में प्लास्टर चढ़ा है। तो दोस्तों ये तो बेईमानी का नतीजा तो ख़राब होता है। चलिए हम अगली कहानी देखें। तो अगली कहानी है दोस्तों लाल कपड़ा। बेटा अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए भारी हैं, तुम्हें चोट पहुंच सकती है, कोई उपाय? अगर चोट से बचना चाहते हो तो लाल कपड़े पहने हुए व्यक्ति से दूर रहो, चोट में दर्द बहुत होता है, मैं सह नहीं सकूँगा। जोजी मेरा कल इम्तिहान है, मुझे एक एलजेब्रा का सवाल नहीं आता, ज़रा समझा देना। अनुराग यह प्रश्न मुश्किल है, अगर इसे कोई हल कर सकता है तो वह बिल्लू है। ठीक है बिल्लू दोस्त, अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गए, एक प्रश्न हल कर दो। लाल कमीज, अरे कन्नी कतरा रहे हो, याद है एक बार मैंने तुम्हें इतिहास के सारे नोट्स दिए थे? यह बात नहीं है अनुराग, ज्योतिषी ने मुझे लाल कपड़ा पहने हुए व्यक्ति से बचने को कहा है। ठीक है मैं अपनी कमीज उतार देता हूँ, अब तो तुम मेरे करीब आ सकते हो, मैंने तुम्हारा एलजेब्रा का प्रश्न हल कर दिया, धन्यवाद। बिल्लू मैं तुमसे दुश्मनी खत्म करना चाहता हूँ, अंदर आओ मेरे साथ गले मिलो और नाश्ता करो। नट्टू अच्छा ख्याल है, मैं आता हूँ। लाल नेकर, वह डर कर ऐसे भागा जैसे कोई भूत देखा हो। बिल्लू स्कूल के सारे विद्यार्थी पेड़ काटने के खिलाफ हस्ताक्षर इकट्ठे कर रहे हैं ताकि पर्यावरण मिनिस्टर को ज्ञापन दिया जाए, तुम भी दस्तखत करो। मोनू इस नेक काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोनू लाल जुराबें पहने हैं, कहाँ भागे जा रहे हो? तुम स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे हस्ताक्षर जरूरी हैं। शुक्र है अभी तक मैं उनसे बचने में कामयाब रहा जिन्होंने लाल कपड़े पहने थे। धड़ाक आऊ,
तुम ढोंगी हो, लाल रंग के कपड़ों से बचने के बावजूद मुझे चोट लगी। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई। अपनी कमीज के बटन खोलो। तुमने कमीज के अंदर लाल बनियान पहन रखी है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। तो फिर किसी वीडियो में और किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको कॉमिक्स पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।